वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियां बंद नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी के किशनगढ़ गांव में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर किसान संगठन ये सोचते हैं कि नए कृषि कानून का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर चर्चा करने और खुले मन से विचार रखने को तैयार है। शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर एमएसपी और कृषि कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरासर झूठ बोल रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी और मंडियां कभी बंद नहीं होगी। किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मित्रों, एमएसपी की बात करते हैं, मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोड़ा झूठ पिला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। और कम से कम ये यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का उससे 50% होना चाहिए, डेढ़ गुना ज्यादा होना चाहिए। मित्रों, मांग थी या नहीं थी बताओ, थी या नहीं थी? 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव डेढ़ गुना कर किसानों को बहुत। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक रैली में राजधानी की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों का खास तौर पर जिक्र किया। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि धरने पर जो लोग बैठे हैं वो किसान परिवारों में जन्मे हैं। राजनाथ ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों से सुलह की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कानून लाभकारी नहीं लगते तो सरकार उनमें संशोधन करेगी। आंदोलनकारी किसानों को अपने ही लोग बताते हुए इन्होंने कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान हैं और किसान परिवार में जन्मे हैं, हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं। उन सारे कानूनों को लेकर जो तरह तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही थी, उन सारी गलतफहमियों को आज प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया है और इन कानूनों के तहत काम करने वाले जो बहुत सारे किसान हैं, किसानों ने भी जो बात इस देश की जनता के सामने रखी है, मैं समझता हूं कि जो भी आशंकाएं अब तक किसी के मन में रही होंगी, सारी आशंकाओं का पूरी तरह से निराकरण हो गया होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह भाषण, मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही कन्विंसिंग भाषण था। और साथ ही साथ केवल भाषण ही नहीं था, बल्कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन लोगों ने भी जो अनुभव जनता के सामने रखे हैं, उससे बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यह तीनों कृषि संबंधित कानून किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और किसान की आमदनी को केवल डेढ़ गुना ही नहीं बल्कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाने वाले यह सब तीनों कानून है। सारे आशंकाओं का निराकरण जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कर दिया है। और कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में घमासान जारी है। गुरुवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ नड्डा ने लिखा कि इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। जेपी नड्डा ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच एक बार फिर से उजागर हुआ। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती है। यह कांग्रेस की मौका परस्त सोच, कम जानकारी और बार बार बात से पलटने का प्रमाण है। होता क्या है? होता यह है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से
सबसे महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत नहीं मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये तब संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को लेकर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों का जनाधार खत्म हो गया, किसान आंदोलन उन्हीं के बहकावे में चल रहा है। कौन नहीं जानता कि भाजपा ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। किसान क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ किसानों की फसलें लहलहा रही है, बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे से वे अपनी बेटियों बहनों के हाथ भी पीले कर रहे हैं। मोदी सरकार ने नीम कॉडेट यूरिया से यूरिया की किल्लत को खत्म किया। किसान सम्मान निधि से भी किसानों को आर्थिक मदद मिली। सुशासन दिवस का कार्यक्रम था। देश के गौरव परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर देश और प्रदेश की सरकार आज सुशासन दिवस के रूप में मना रही है इसको। उसी के अंतर्गत मेरा यहाँ आना हुआ और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, किसानों के हित के लिए जितना काम किया है आज तक कोई कर नहीं पाया है। केंद्र की मोदी सरकार हो या देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्व सरकार हो या फिर वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, लगातार किसानों की समृद्धि, किसानों की उन्नति, किसानों के विकास के लिए कार्यरत हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हिंदुस्तान के किसानों को हमने दिया। इतना ही नहीं, पहले यूरिया के लिए मार होती थी, लाइनें लगती थी, आज नीम कोटेड यूरिया मोदी सरकार ने दिया। किसान सम्मान निधि के रूप में 1,00,000 करोड़ से अधिक पैसा मोदी सरकार ने किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाया। ऐसे अनेक काम हिंदुस्तान की सरकार ने किए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वर्चुअल संवाद किया। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए तो वहीं प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में वन क्लिक के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि भी हस्तांतरित की। रीवा जिले की हनुमना में मऊगंज विधायक के नेतृत्व में जनपद पंचायत प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों के खातों में, पूरे देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 करोड़ की राशि आज डाली है और सब किसानों के खातों में 2,000 रुपये आज डाले। वो कार्यक्रम था और उसी चलते किसानों का हर गांव में, हर पंचायत में, जनपद पंचायत के मुख्यालय पे किसानों को बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे बातचीत की है। बहुत सारे किसानों से सीधे बातचीत की है और उनको सबको आज संबोधित किया है। ऐसे कार्यक्रम में आज यहाँ किसानों को बुलाया गया था। तो मैं उधर हरियाणा के कैथल में सुशासन दिवस के अवसर पर प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन डीएवी कॉलेज चीका में किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से ऑनलाइन के माध्यम से बात की जा रही थी। इस दौरान गोहला विधायक ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन इस कार्यक्रम को गोहला विधायक को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। इसका कारण यह था कि विधायक ईश्वर सिंह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों द्वारा जब सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कार्यक्रम के अंदर घुसने का प्रयास किया गया तो पुलिस द्वारा कॉलेज के गेट को लॉक कर दिया गया, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेट को खोल दिया और कार्यक्रम में नारेबाजी और काले झंडे दिखाकर प्रवेश कर गए। सिंह का जो ग्राफ किया गया है, ईश्वर सिंह ने पहले कई बार न्यूज में बोला भी है, आपके मीडिया में भी, मैं किसानों का देसी हूँ, ये इतना तैसी है तो इस्तीफा देके क्यों नहीं हमारे बीच आता,
तो इसलिए इनको काले झंडे गिराए, जो काले कानून है वापस ले और इस हरियाणा बीजेपी सरकार का देश खिलाफ जो इन्हें हम संघर्ष चल रहा है सरकार के, उसमें अपनी सरकार में इस्तीफा दे के हमारे बीच में आके बैठे अपनी बात रखे, जो आज मेरी बात भी हुई है, बोलता है हमारे साथ सात आठ MLA हमारे साथ है वो इस्तीफा देंगे, हम बोलते हैं तो केला दे के आए वहाँ से शुरुआत कर, तो इसलिए हमने इनको काले झंडे दिखाए और 28 तारीख को हम पक्का धरना इसकी कोठी के आगे धर देंगे, इसको अल्टीमेटम दे के चलते हैं जाने हैं हम, इसलिए इसको चेतावनी है हमारी, हम 27 तारीख को टूल प्लाजा पर ख़त्म करके 28 तारीख को हम ऐसे काम पे हैं, हमारे को कोई और काम नहीं है। आपके नेताओं ने तो टोल फ्री करने का आह्वान किया था, आपने तो घर का घेराव कर दिया। देखो साढ़े नेता उत्थे बैठे हैं, उन्हों की सोच है, लेकिन साड़ी सोच भी है, इन्होंने जो वादे करते हैं हम इनको बना के कुर्सी पे बैठाते हैं, तो हम इनका ग्राव नहीं कर सकते, क्या हमारा हक नहीं है? जब इनको हम कुर्सी दे सकते हैं तो हम ग्राव नहीं कर सकते, क्या इसमें बुराई है ग्राव करने की? तो आज सुशासन दिवस चल रहा था DAV कॉलेज में, क्या वो बंद करवाया गया था? सर जी ये चोरी चोरी दिवस मना रहे हैं, हमने जाके तीसरी बिल्डिंग पे दिवस मनाएंगे, ये लोग ये तो चोर हैं, लोग छिप के काम कर रहे हैं, जनता के सामने दिवस मनाया जाता है, ये तीसरी बिल्डिंग पे लॉक करके मनाया, इसलिए हमने इनका ग्राव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची, उन्होंने पहले ही दिन कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला और कहा 2014 का वह दंगल मैं आज भी भूल नहीं पाऊंगी, जब गांव-गांव जनता से मिलने के बाद अमेठी का सच उजागर हुआ, वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की पुण्य भूमि से अपनी राजनीति को सींचा उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा, विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वह सोने के महलों में रह सके। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी किसानों से झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ करेंगे, अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूं, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी सांसद ना होते हुए भी अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठी चार्ज उनके आदेश अनुसार करा। एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू होगे, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी? ये फुफड़ जी आखी नहीं खोलदी, थक्या जा शरीर रहंदा है, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्षां तों यही है मेरी सेहत दा राज, इम्यूनिटी वधाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਕੀ ਆਪ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੂਖ ਕਮ ਲੱਗਤੀ ਹੈ, ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਬੜਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੇਨ ਬਾਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਲਗਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਲਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਿਹਤ ਬਣੇਗੀ ਕੈਸੇ? ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के वैश्विक गीता पाठ में प्रदेश के 55,000 स्कूली विद्यार्थियों और देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के साथ चंडीगढ़ से ऑनलाइन जुड़कर अपना संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता जयंती का ये दिन विलक्षण, अनोखा और प्रेरणा देने वाला दिन है। आज के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व पवित्र ग्रंथ गीता का उद्गम हुआ। आज का यह कार्यक्रम वास्तव में बहुत एक विलक्षण अनोखा कार्यक्रम है। गीता जयंती का यह दिन आज हमको जहां प्रेरणा देता है, वहीं आज का दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती का दिन है। महामना मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज ये जन्मदिन है और आज का दिन 25 दिसंबर विश्वभर के जो ईसाई जगत के लोग हैं, क्रिसमस का दिन आज वो लोग मना रहे हैं। तो इस दिन के ऊपर हम सब आपस में मिल रहे हैं एक विशेष अवसर कि ग्लोबल गीता श्लोक चांटिंग, ये जो अवसर है हर वर्ष की भांति आज हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 55,000 छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से जो गीता श्लोक का उच्चारण किया, बहुत ही प्रेरणादायक की विषय है। 18 अध्याय के 18 श्लोक हमने सामूहिक बोले हैं। बहुत से स्कूलों में ने इसमें भाग लिया है। संस्कृत विश्वविद्यालय देश भर के हमारे कुलपति कैथल के जो विश्वविद्यालय के श्रेयांश द्विवेदी जी के प्रयत्नों से ऐसे 17 संस्कृत विश्वविद्यालय जुड़े हैं, ये भी अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। श्रीमद् भागवत गीता युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का एक स्रोत है। हिमाचल जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ढालपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला परिषद के सभी वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई और उसे फाइनल किया गया। वहीं जिला कांग्रेस के प्रभारी ठाकुर रामलाल के अनुमोदन के बाद लिस्ट को जारी कर दिया गया। ठाकुर रामलाल का कहना है कि सभी उम्मीदवारों के चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर बैठक की गई और ब्लॉक स्तर से नामों पर सहमति ली गई। अब सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कुछ वार्ड में उम्मीदवारों के चयन पर अभी भी फंसा हुआ है, जिस पर ठाकुर रामलाल ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी इस पर निर्णय लेगी और जल्दी नगर निकायों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। जो हमारे जिला परिषद के चुनाव हैं, उन चुनाव के बारे में मैंने आपको जो जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रक्रिया के मुताबिक जो करके दिया है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। हमारे 14 वार्ड हैं ज़िला परिषद के। इन 14 वार्डों में जो है वो कैंडिडेट छांटने के लिए एक प्रक्रिया तय करी थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, जो हमारे इंचार्ज है यहाँ पे शुक्ला जी, उन्होंने जो है कहा था कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आने चाहिए। तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है या कोई पदाधिकारी नहीं है, तो उनको मैदान में उतारा गया है।
तो इसमें कांग्रेस समर्थित होने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पे जो है वो इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। ये भले हमारे सिंबल पे नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमारे पार्टी के लोग खड़े होंगे तो बाद में नहीं लगेगा कि हाँ जी कोई आया नहीं हमारा, तो हम ये बोलने के फलाना आदमी ये जीत के आए हमारा ही है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो प्रदेश की तरफ से जो है वो जो ड्यूटियाँ लगी थी, यहाँ पे सचिव अपॉइंट हुए थे, उन्होंने मीटिंग ली, ब्लॉक समिति के लोगों ने जो है वो मीटिंग ली है, और उस मीटिंग के बाद जो है ये मैं कहना चाहूँगा कि वहीं जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने शुक्रवार को सोडाला एलिवेटेड रोड एवं झोटवाड़ा आरओबी का अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण कर प्रोजेक्ट का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेडीसी ने सोडाला एलिवेटेड रोड का मौका निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि भवानी सिंह मार्ग से हवा सड़क की तरफ आने वाले और हवा सड़क की तरफ से भवानी सिंह मार्ग को जाने वाले रैंप को अप्रैल माह तक पूर्ण करें, ताकि एलिवेटेड रोड पर यातायात शीघ्र शुरू किया जा सके और अजमेर रोड एलिवेटेड रोड से सोडाला एलिवेटेड रोड को जोड़ने का कार्य माह जून तक पूर्ण किया जा सके। वहीं राजस्थान के जोधपुर शहर के निकटवर्ती सालावास रोड पर एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में शुक्रवार की सुबह 11 बजे आग लग गई। सूचना पर अलग अलग स्थानों से आधा दर्जन दमकलों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। आग से एक फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग की भीषणता इतनी ज्यादा थी कि पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। आग को काबू करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। एहतियात के तौर पर एक दमकल को वहां पर खड़ा रखा गया और आग से लाखों का नुकसान होना बताया गया है। उधर राजस्थान की यहां बात करते हैं, जहां पर 12 जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर किशनगंज के रामगढ़ कस्बे के पास में भंडदेवरा स्थित यह मंदिर हड़ौती का खजुराहो और राजस्थान के मिनी खजुराहो के नाम से विख्यात है। पहाड़ियों के गोद में यह मंदिर है। इसकी प्राकृतिक छटा देखने वाले के मन को मोह लेती है। बेजोड़ शिल्प और अनूठी परंपराओं को सहेजे हड़ौती के मिनी खजुराहो पर इन दिनों चोरों की नजर है। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाते से स्मारक से अब पत्थर गिरने लगे हैं। प्रशासन की ही अनदेखी के चलते धराशायी होते बेशकीमती शिल्प और दुर्लभ मूर्तियों को समाज कंटकों के हाथों चुराया जाने लगा है। अगर जल्द ही इसकी सुध नहीं ली गई तो इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वहीं क्रिसमस के त्योहार को मनाने के लिए चंडीगढ़ के सभी चर्च में अलग अलग तरह के इंतजाम पूरे किए गए। सेक्टर 19 के चर्च समेत शहर के अलग अलग चर्च में अलग अलग इंतजाम किए गए। एक तरफ चर्च के बाहर चंडीगढ़ पुलिस को तैनात किया गया तो दूसरी तरफ चर्च के वर्कर इस बात का ध्यान रखते नजर आए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और बिना मास्क के कोई अंदर ना जा सके। पहले तो ये बताइए इस बार क्रिसमस किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि 19 चर्च में इस बार क्रिसमस नहीं बना रहे। उनका कहना है कि ऑनलाइन या यूट्यूब पर इसको लाइव देख। इस क्रिसमस तो जी ऐसा है कि घर वालों के साथ ही बनाएंगे और यही हम दुआ करेंगे कि ये जो कोरोना की महामारी जो फैली हुई है पूरी दुनिया में बिल्कुल ख़त्म हो जाए और लोग अपना हर त्यौहार जो है बाहर निकल के खुले आम खुशी से पहले बनाते थे, अब फिर वैसे बनाएं। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान के राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की। यहां एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। यह जानकारी पश्चिम एशियाई देश में राजनयिक और सुरक्षा अधिकारियों ने दी। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वह इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की ओर से जासूसी और आतंकी सेल चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया।
और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।